हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी जो सस्धारा रोड देखी आपने, एक्चुअली कोमल आई हुई थी जो कि यहाँ पे डीडीए में पढ़ रही है, मामा जी की लड़की। संडे था तो वो घर पे आ गई थी, तो उसको मैं ड्रॉप करने गया था। अच्छा, मॉर्निंग में थोड़ी सी सस्धारा रोड भी दिखा दूं। संदीप का अपडेट यह है कि उसका मैसेज आ गया है, वो बस चल देगा 10:15 बजे तक, 2-3 घंटे में यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर मुझे उसके साथ शायद डिकैथलॉन जाना पड़े और कुछ काम है करने, जैसे कि मदर को राखी भेजनी है मामा जी को, मेरे समझ मामा जी जो बैंक में सिलकुंज कॉलोनी में रहते हैं, तो राखी भेजनी है, तो वो भी पोस्ट करनी पड़ेगी मुझे। इंडियन पोस्ट ऑफिस से तो करूंगा नहीं, क्योंकि मतलब यहाँ से गाजियाबाद भेजता है, गाजियाबाद से मेरठ भेजता है, 6-7-8-8 दिन लगा देता है। मतलब ऐसा हो चुका है मेरे साथ, कोरियर ही करनी पड़ेगी प्राइवेट। जो हमने प्लॉट खरीदा था स्थल में, जो रजिस्ट्री थे, वो कितना समय हो गया, 2-3 महीने हो गए हैं। तो जिसने सेल करी थी प्रॉपर्टी, तो उससे बुलानी है जाके, बहुत दिन से दे नहीं रहा है, आना कानी फोन नहीं उठा रहा, कभी कुछ कभी स्विच ऑफ आ रहा है, तो बहुत परेशान कर रखा उसने भी। तो आज फाइनली उससे वो उठा लेंगे रजिस्ट्री को, फिर डिकैथलॉन वगैरह जाते हैं। और मेरे ना लेग गार्ड वगैरह और एल्बो गार्ड तो नहीं, खैर वो तो संदीप ने मुझे जैकेट दे दी है, उसकी जैकेट में तो खैर जरूरत नहीं, बस घुटने के चाहिए एल्बो गार्ड वगैरह, वो मार्केट से खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं अपने घर पे। पता नहीं मैं कहाँ दे दिए किसी को, समझ में भी नहीं आ रहा मैं कहाँ दानवीर बन गया। तो आज का काम स्टार्ट करते हैं 9:50 पे। और भाई आज का नाश्ता है, कल मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था दलिया, आज है ओट्स। लगभग 12 बजने को है, मैंने एडिटिंग कर लिया कंप्लीट, अब हो रही है वीडियो रेंडर। संदीप का भी मैसेज आया था और वो निकल चुका है ऋषिकेश से, पहुंच जाएगा 1:15 बजे तक। मैं सोच रहा हूँ यार कुछ टी शर्ट और कुछ पैंट खरीद लेता हूँ, शूज तो है ही डिकैथलॉन के रखे हैं, क्योंकि मेरे वुडलैंड वाले जूते जो मैं हर की दूर में, उसने मेरी एक उंगली खराब कर दी है, मेरी एक उंगली को बहुत डैमेज दिया, तो मैं वुडलैंड की तरफ तो देखूंगा अभी, डिकैथलॉन के रखे हैं वही पहन के निकल जाता हूँ। लगभग 12 बजे के करीब क्या माहौल है, बहुत तेज धूप निकली है, बहुत तेज, वाओ। सुबह पता चल गया था कि आज मौसम अच्छा होने वाला है, चिड़िया बोल रही है बहुत प्यारी सी, सुपर। देहरादून में ऐसा मुश्किल देखने को मिलता है इन दिनों, हालांकि अभी आता रहेगा जाता रहेगा इस तरह का मौसम। आज प्लॉटिंग तो कोई नहीं खड़ा है, ये जो प्लॉटिंग है एक्चुअली जिसका मुझे डर था वही मैंने बताया था, एक नालायक एजेंट मिल गया, वो फालतू में एजेंट का नंबर दूं मैं तुम्हें, डायरेक्ट ओनर का मिलना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। तो भाई संदीप भी पहुंच गया है, मैं अपनी बाइक हटा देता हूं और वो अपनी बाइक इधर खड़ी कर लेगा, मैं बुलेट हटा देता हूं। आगे भाई, तो फाइनली भाई 2 दिन तक पूरा घर ढूंढने के बाद ये मिल गए हैं। मदर को अचानक याद आ गया कि ये यहाँ पे रखे हुए होंगे, तो यहाँ पे देखा बैग वैग हटा के तो मिल गए। तो भाई संदीप का ये हेलमेट, ये केटीएम वाला, एक तो ये यूज हो जाएगा क्योंकि मेरे पास जो हेलमेट है ये हिलता है हवा में, थोड़ा हल्का है। और एक जैकेट लाया है संदीप अपनी, इसमें ही है उसमें नहीं। तो काफी दिनों से ना जैकेट ये यूज नहीं हुई, तो इसमें ना थोड़ी सी हल्की सी वो है स्मेल, तो इसको धूप में सुखा देता हूँ अभी, सारी निकल जाएगी। अच्छा, इसमें इनर भी और वार्मर भी है, ये है जैकेट। मुझे लग रहा धूप में सुखा के काम चल जाएगा, क्योंकि वैसी धूल मानी है, ये सारी चीजें है ना, धूप में हो जाएगा। सर्दी का ये सर्दी ना लगे बारिश। अच्छा बारिश का, ये सबसे ऊपर पहना जाता है इसमें, ये अंदर ही है, अच्छा अंदर ही लगे, मतलब वो गीला रहेगा, अंदर गीला नहीं होगा, चलो ठीक है। तो इन जैकेटों में नॉर्मली 3-3 लेयर आती हैं, एक वाटरप्रूफ और एक इनर सर्दी से बचाने की, एसी के अंदर पहनी जाती हैं। तो भाई देखो कितना पुराना फोटो निकला है, संदीप आज भी मेरे पास मौजूद है, और 2005 और 2006 में भी देखो आसपास खड़े हैं, संदीप भी खड़ा है सुबह से। हाँ संदीप और ये मैं, और ये लड़का स्वातिकांत है, अंकित त्यागी, ये है कॉन्टेक्ट में, ये वरुण है, हाँ ये वरुण है, ये अमेरिका चला गया, और मैं इसके साथ ही खेलता था फुट, इसके घर पे जाके क्रिकेट का गेम कंप्यूटर पे, तो कभी कभी। तो ये मनोज सती कुक है, यही रहता है हरिद्वार रोड पर रहता है, ये इसका नाम कह रहा है, ये तो पता नहीं सीधी सी है। बाकी ये चीना, चीना ये फारूक, वो ये जो इसकी बहुत अच्छी वो थी वोकैबुलरी, ये कौन बरनी का वर्ती का क्या है, ये बराली का, बराली का, बराली का पुलकित तोमर, पुलकित तोमर, ये पता नहीं क्या है, कान ज्यादा बड़े इसके, विकास डांगी। बाकी ये लड़का प्रवीण है, इससे बात करी थी, लेह में रहा है 2 साल, अभी आया है। अच्छा प्रवीण, हाँ प्रवीण है। ये अभी आया, कह रहा भाई वहाँ तो मैं घुमा नहीं हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। ये प्रेरणा है, संदीप की क्रश। इससे लड़ाई हो गई थी मेरी एक बार, बहुत लड़ाई करता था। ये ज्यादा चेतिया आसाम का है, मतलब आर्मी स्कूल में सब मिक्स थे, कोई आसाम राजस्थान साउथ वाउथ, अब पूरे इंडिया में फैले हुए हैं सारे, और सबसे ज्यादा देहरादून में इस टाइम। भाई अभी मैं और संदीप जा रहे हैं मार्केट, कुछ सामान है जैसे छोटे से छोटा सामान, सनस्क्रीन लोशन तक हम खरीदने जा रहे हैं, और क्योंकि काफी लंबी जर्नी रहेगी, तो कान में जो मेरे पास जो ब्लूटूथ वाले ईयर लीड हैं वो फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए कुछ और चॉइस देखते हैं कि कान में क्या लग सकता है जो हेलमेट के नीचे लग जाए, और भी बाकी चीजें देखनी है, दिखाता हूँ मार्केट में। हमें नेम प्लेट भी लगवानी है, और देखो कितना अच्छा नंबर है, चॉइस 1711 रख दे इसमें, अभी इधर ही रख दे, बैक साइड इस तरफ की नंबर प्लेट लगी है, लेकिन उसने प्लेट के ऊपर ही प्लेट लगा दी है, तो ये अच्छी नहीं लग रही इतनी, तो इसको चेंज करवाएंगे। सबसे पहले देखते हैं रिलायंस ट्रेंड में कुछ ईयर लीड वगैरह मिल जाए या फिर कुछ और चीजें।
तो हम कोई ऐसी ईयरबड देख रहे हैं जो कि हेलमेट के अंडर में भी आ जाए, तो हम इसको चेक कर रहे हैं। भैया बोल रहे बोट्स की ले लो, एक MI की भी है, पता चल रहा है लग गया? हिलानी है ना? नहीं, वो थोड़ी देर में कान में पेन करे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा क्योंकि तेरा हेलमेट अलग है ना। संदीप बोल रहा है एक ही ले लेते हैं, दो पेयर, एक भी पहन लेगा एक में, पर लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि डार्क म्यूजिक सुनना पड़ेगा मुझे। तो हमने ये वाले सिलेक्ट करे हैं। भैया बोल रहे हैं इन्होंने ऑनलाइन चेक किया है तो कह रहे हैं कि अभी 2600 हो गया, कल 2000 था, पहले 1700-1800 में मिल रहे थे, तो आज हम आए इसको लेने, आज ही 700-800 रुपये का चुना लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, करो आप। चलो एक काम तो हो गया, एयरपोर्ट मिल गए हैं, अब चलते हैं कहीं और। मेमोरी कार्ड GoPro का लेना है, वो क्लॉक टावर से लेंगे। अभी RTO ऑफिस आए थे नंबर प्लेट लगवाने, लेकिन नंबर प्लेट यहाँ नहीं लगी, इन्होंने बता दिया है। अब चलते हैं एसले हॉल क्लॉक टावर, पहुँच गए एसले हॉल, अब जुगाड़ कर रहे हैं कुछ, लग जाएगा तो भैया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट ले लेना, नंबर प्लेट। हाँ, वो गुलाटी लिख रहा है ना। तीन चार दुकानों पर घूमने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं मिला कि आगे की नंबर प्लेट लग नहीं पा रही है क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट होना है। तो अब आए हम एक गुलाटी ही है, गुलाटी जी के यहाँ पे, देखते हैं ये नंबर प्लेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब नंबर प्लेट के पे ना गार्ड भी लग जाएगा, तो इससे नंबर प्लेट में चार चांद लग जाएंगे। इसकी पिलन सीट भी बहुत अच्छी है क्योंकि देख इसमें ना बीच में उठी हुई है, ये पैर के लिए स्पेस है यहाँ और यहाँ पे, और काफ़ी दब जाती है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। ये भी ऐसी है भाई, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। हाँ ये तो उतार दो, वैसे हम इसे लगा के चला दे चलान कर सकता था ना, फिर वो लग जाए तो उसके बाद कोई चलान के बाद। भाई देखो एक्सीडेंट कितने हुए हैं, मक्खियाँ चिपकी पड़ी हैं। तो फाइनली भाई नंबर प्लेट लग चुकी है और नंबर प्लेट के साथ साथ फ्रेम भी लग गया, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब लग रही है कुछ ब्रांडेड सी है ना। अभी आयुर्वेदिक स्टोर से कुछ दवाइयाँ ले ली हैं और पहुँच गए क्लॉक टावर देहरादून, और देखो यहाँ पे हमेशा की तरह कितना जाम लग रहा है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे मैं बहुत कम आता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऐसे ही फंसना होता है। पहुँच गए भाई डिकैथलॉन, ये विंडचीटर ईयरी, तो इसमें से कुछ चीज़ें मुझे लेनी है आज। अभी डिकैथलॉन से शॉपिंग करते हैं लद्दाख जाने के लिए, जैसे कि विंडचीटर वगैरह। हाँ मेरे पास है, हो गया जाए तो डिकैथलॉन से तो शॉपिंग होगी है, और बस अभी जा रहे हैं घंटाघर क्लॉक टावर, वहाँ पे GoPro वगैरह का माउंट वगैरह लेना है। भाई क्लॉक टावर पे स्टक हो गए हैं, GoPro वाली दुकान पे जा रहे थे, कोई BJP का नेता आया हुआ, इन्होंने जाम लगाया हुआ है पूरा। तो पहुँच गए हैं क्लॉक टावर, और भाई ये है, इस पे GoPro चिन्ह पे यहाँ पे माउंट हो जाएगा हेलमेट के यहाँ पे, और यहीं पे फिट हो जाएगा। 5800 लिख रहा है, ये ओरिजिनल वाला है। फाइनली केमिस्ट से कुछ मेडिसिन भी ले ली है, आज की लास्ट स्टॉप रिलायंस ट्रेंड, फुल बाजू की टी शर्ट लेनी है, बस इस पे देखते हैं मिलगी तो ठीक वरना कर निकलते हैं। एक काम और निपटा रहे हैं हम क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो पेट्रोल डलवा रहे हैं, देखते हैं BMW में। ऑलमोस्ट इसकी टंकी खाली हो गई थी, रिजर्व में लगने वाली थी, इसमें रिजर्व लगता है, कितना बच गया? अच्छा 3-4 लीटर, तो अब देखते हैं कितना पेट्रोल आता है फुल टंकी में BMW में। 1327 रुपये का आया है। चलो भाई फाइनली ATM से कैश भी निकल गया क्योंकि लेह लद्दाख में कैश की बहुत जरूरत है, SBI वाला हमेशा खराब रहता है, तो यूनियन बैंक से निकल गए। लेट्स मूव। तो दिन की लास्ट शॉपिंग भाई कुल भाई के यहाँ पे सब्जी ले लेते हैं, सलाद ले लेते हैं और सेब ले लेते हैं, जल्दी कर दो, कल रस्ते में खा लेंगे 4 सेब। निकलते हैं घर पे 9:30-10 हो गए। वी आर बैक टू होम, और देख लो कमरे का क्या हाल हो रहा है भाई लद्दाख जाने से पहले, और टेबल पे भी कहीं हार्ड डिस्क पड़ी है, कहीं बोट का चार्ज करना है मेरे को, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, बुरा हाल है। हेलमेट और बैग और मार्केट से खरीदा है सारा सामान पूरा ऐसे ही पड़ा है, बहुत ज्यादा है। मतलब सुबह जल्दी निकलना है 4-5 बजे, निकलने की सोच रहे हैं, बस खाना खाते हैं, नहाते हैं और सामान समेटते हैं, बस यही करना और कुछ नहीं करना फिलहाल। तो घर से निकले थे दोपहर में, घर से निकले थे, अब जाके सास आया, अब जाके घर पहुंचे हैं, से भाग दौड़ पूरे देहरादून में, राजपुर रोड पे, पूरा डिकैथलॉन हरिद्वार बाईपास, प्लानिंग करते हैं सामान कैसे लगाना है, कैसे बैग में एडजस्ट करना है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि काफी सामान भी खरीद लिया सब, सर्दियों के कपड़े भी खरीद लिए हैं, जैकेट भी जाएंगी मोटी मोटी की, वहाँ ये नहीं पता मौसम बिगड़ने पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है लेह की तरफ, और दवाई भी खरीद ली है डाइमोक्स जो कि लेह में लेनी पड़ती है। अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि भाई क्या क्या प्रिकॉशन हेल्थ प्रिकॉशन लेह में लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, एक बार मैं होकर आ जाता हूँ तो सारी धनाधन वीडियो बनेंगी। बाकी फिलहाल आज का दिन यही था, मिलते हैं कल सुबह जब निकलते हैं लेह की तरफ, को हमारा कल यही रहेगा कि मनाली पहुंच जाओ, फिर परसों रहेगा मनाली से लेह पहुंच जाओ, फिलहाल तो यही है यानी कि परसों रात को हम लेह में होने वाले हैं। वाओ क्या एक्साइटिंग है। कैमरे की मेमोरी खाली कर देता हूँ, लैपटॉप में डाल देता हूँ, कल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, गुड नाइट।